मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी, ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी, ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती, तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे, और लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है कि ये जैसे पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम ये रखा हुआ है, आत्मा सबकी एक जैसी होती है, शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं, ये सारा ज्ञान था वह फिर धीरे धीरे निकल गया है, निकलता निकलता आखिरी कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो, घर घर में सोझरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी और फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी की ग्लानी नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना कि ये तो सब मूढ़मति हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप। क्या कहते हैं बाप? कि बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज और ये है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आधी मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कि कहाँ एक कॉलेज में ये नॉलेज पढ़ाते हैं। बाबा कहते, देखो जरा जाकर पढ़ाते हैं क्या ये नॉलेज, सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज़ तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर आवाज़ नहीं कर सकती, शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे ही नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे न सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े हैं, यह बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है और नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा? अनगिनत, गांव गांव से कितने ढेर आते हैं।
यह आत्माओं और परमात्मा का एक मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं, बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा और ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके। मनुष्यों के ख्याल में है कि अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, ज़रूर आकर ज्ञान दे सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु दल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोझरा होगा, परंतु समझते कुछ ही नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोझरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं, बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी नहीं होती। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में ये अक्षर है, और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता, यह है स्थूल साकार दुनिया और वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं और फिर पाठ बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है कि आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? तो कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो फिर घर बार की याद आती होगी? बोला हाँ। बाबा का तो देखा हुआ है कि एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी आ गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियाँ ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखरीन ठंडी हो ही जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, वहाँ तो ऐसे बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियाँ वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रियाँ शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं कि बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितनी बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है।
हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकेंड। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने में भी डरते हैं, बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो, दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझें, क्या समझें कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे, कौन लेंगे? आप बच्चे लेंगे ना, तो ये नंबर 1 है ना। कौन नंबर 1 है? ब्रह्मा। और यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ और फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, कि तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ही ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है हम आत्मा, जो पवित्र थी शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया। वह भी बाप बताते हैं कि तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? तो ये बाप बैठ समझाते हैं, इनके 84 जन्म पूरे हुए और फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं और वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता ही नहीं, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो ज़रूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र और नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सत्युग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सत्युग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये कैसे पद पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे और फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? ऊंच ते ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेज फुल कहा जाता है, बाप टीचर सतगुरु भी कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो कि आपने ये मंदिर बनाया है तो इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था और फिर ये कहाँ गए और अब कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे कि हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं, तुमको अब समझ मिली है। परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है,
21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है, वैशाल्य और शिवालय किसको कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई और अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है कि एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।